नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा करते हैं हम उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको परेशान कर सकते हैं, तमाम उन बीमारियों के बारे में जिन पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो गंभीर रूप लेकर आपको परेशान कर सकती हैं। किस तरीके से इन बीमारियों से बचे, किस तरीके से इन परेशानियों को आप पहचानें, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और इन चर्चाओं को खास बनाने के लिए हर बार हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं रूपरानी हेल्थ केयर सेंटर के। सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे कार्यक्रम की हर बार एक अलग टॉपिक रहता है, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कमर के दर्द को लेकर। किस तरीके से कमर का दर्द आपको परेशान कर सकता है, आपका डेली रूटीन इससे इफेक्ट हो सकता है और कैसे आप इस दर्द से बच सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है और फिजियोथेरेपी में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, जैसा कि लोग कमर दर्द को लेकर कहते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, वहीं अगर हम इसकी सीरियसनेस की बात करें तो कितना सीरियस हो सकता है कमर का दर्द और इससे किस तरीके की परेशानियां सामने आ सकती हैं? देखिए, कमर का दर्द लोग कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही है, ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को कमर दर्द को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार कमर दर्द अगर बहुत लंबा चले, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं सर ठीक हो जाएगा, 2 से 3 दिन अगर कमर दर्द ठीक होने में ले रहा है तो मैं समझता हूँ कोई समस्या की बात नहीं है। परंतु यदि वो कमर दर्द 3 दिन से ज़्यादा ले रहा है तो मैं समझता हूँ आपको फिजिशियन को या अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बिल्कुल मिलना चाहिए, उन्हें कंसल्ट करें और इसका एक प्रॉपर इलाज कराएं तो ही ठीक रहेगा। अगर नहीं कराया तो ये कमर दर्द आपकी डेली की जो दिनचर्या है, आपके सारे काम हैं, सभी को प्रभावित कर सकता है। जी, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, कई बार महिलाएं बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कमर दर्द को लेकर, अकॉर्डिंग टू मेल की अगर हम बात करें तो वो इतना ज़्यादा, या तो यूं कहें कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, या कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं काम करते हुए, घर का काम कर रही हैं या किसी गलत तरीके से झुकने से या किसी भी तरीके से उन्हें कमर दर्द की समस्या ज़्यादातर सामने आती है। तो इस रेशियो की अगर हम बात करें तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें महिलाएँ ज़्यादा होती हैं या पुरुष? बिल्कुल, उनमें महिलाएँ ही ज्यादा होती हैं क्योंकि उनके आगे झुके करने वाले कार्यों की गिनती ज्यादा है, चाहे वो किचन में काम करना हो, कपड़े धोना हो या कोई सामान उठाना हो। तो हम अक्सर यही देखते हैं कि हमारे पास कमर दर्द को लेकर जो मरीज आते हैं उनमें जो नंबर है वो महिलाओं का ही ज्यादा रहता है, अगर आप मेल की अगर हम बात करें। जी, तो डॉक्टर, जैसा कि हम एक कमर दर्द पर बात कर रहे हैं तो एक दर्द के अलावा और ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कमर दर्द के साथ साथ और भी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन्हें इफेक्ट कर सकते हैं और उसके दौरान पेशेंट को ये सतर्क हो जाना है कि ये दर्द काफ़ी सीरियस हो सकता है या उससे आगे चलकर अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चलकर वो गंभीर समस्या बन सकता है? कमर दर्द के अलावा, जैसे कई बार कमर दर्द आपका बहुत लंबा हो गया है, आपका दर्द परसिस्टेंटली बना हुआ है, कुछ आपने दिनों के बजाय उसको हफ्तों महीनों तक खींच दिया जी। तो कई बार कमर दर्द की वजह से जैसे नसें दबना होता है, जैसे आम भाषा में लोग शियाटिका कहते हैं, पैरों में झंझनाहट होती है, तलवों में सुन्नपन रहता है या पैरों से गर्मी सी आपको महसूस होती है, तो ये कई समस्याएँ हैं जो कमर दर्द के लंबा होने से, उसके अधिक समय तक रहने से ये हो सकती हैं जी। और ये सभी चीज़ें, ये सभी परेशानियाँ मिलकर एक अगर हम गंभीर समस्या की बात करें तो कितना सीरियस बीमारी कॉज कर सकती हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो सकती है? ये सभी चीज़ें मिलकर आपको इतना परेशान कर सकती हैं कि आपका अपने पलंग से उठना बैठना भी मुश्किल हो सकता है। काम तो करने की बात आप भूल जाइए, आप पलंग से उठ ही नहीं पाएंगे तो आप काम कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया कि ये एक जो कमर दर्द की समस्या है वो काफ़ी परेशान कर सकती है आपको और उसके साथ और भी जो लक्षण बताए हैं डॉक्टर ने आपको, अगर आपको कमर दर्द के साथ वो लक्षण दिखते हैं या कोई भी ऐसा लक्षण लगता है जो आपको परेशान कर रहा है तो तुरंत अपने चिकित्सक से आपको परामर्श करना है और समय रहते उस समस्या से बचना है। डॉक्टर, अगर हम बात करें बच्चों की या एडल्ट्स की और ओल्ड एज, अगर हम बच्चों की बात पहले करें तो
तो अभी जो समस्याएं बड़ी हैं वो बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन के साथ साथ जो चीज़ें बड़ी हैं लगातार बिगड़ रही हैं बच्चों की, चाहे वो हैवी बैग्स हों, स्कूल बैग्स हों या फिर और भी चीज़ें, उसका क्या कारण है? बच्चों का हैवी बैग बहुत बड़ी आजकल समस्या है उनके कमर दर्द की। एक और समस्या ये हो गई है कि अब बच्चे बाहर नहीं खेलते, कंप्यूटर पे खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन पे खेलते हैं, उनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, उनका वेट बढ़ रहा है। उनका वेट बढ़ना भी कमर दर्द की एक समस्या है, मतलब कमर दर्द को उत्पन्न करने का एक कारण हो गया है जी। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अगर हम जैसे महिलाओं और बच्चों की हमने बात की, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो काफ़ी कम एज के लोग भी ये समस्या बताते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी अगर हम बात करें तो वो ऐसे कौन से कॉज हैं जो हो सकते हैं जो कि उन्हें कमर दर्द से परेशान करते हैं? एडल्ट्स में आपका सामान उठाना, गलत तरीके से सामान को उठाना, ज़मीन पर कोई सामान अगर गिरा है या रखा है तो आपको उसे उठाने के लिए हम अपने पैरों को नहीं मोड़ते, हम अपनी कमर को आगे झुका के तब वो सामान को उठाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमें करना ये चाहिए कि हम अपने पैरों को मोड़ें और अपनी पीठ को सीधा रखते हुए सामान को उठाएं। या फिर आजकल देखा गया है कि कई लोग फील्ड जॉब में हैं, वो दिन में कई किलोमीटर अपनी ये मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं या एक्टिवा से ट्रैवल करते हैं, ये एक और समस्या आजकल उत्पन्न हो रही है कि उनकी पीठ में लगातार दर्द बना रहता है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं जी। तो ओल्ड एज में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपने कारण बताया कि बच्चों में स्कूल हैवी बैग जो रहते हैं स्कूल्स में, वो एक समस्या हो सकती है, महिलाओं में गलत तरीके से झुकने से, काम करने से, घर के जो रोज़मर्रा के काम है वो करने से प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो पहले ये समस्या 40 या 45 प्लस आई थिंक होती थी, और अब वो एज कहीं ना कहीं कम हुई है, जैसे कि बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो कारण है ओल्ड एज में क्या कारण हो सकते हैं, और ओवरऑल जो कारणों की अगर हम बात करें तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकते हैं? ओल्ड एज में ये दर्द होने के कारण होते हैं उनकी मांसपेशियों का कमजोर होना जी। जनरली एक व्यक्ति अपनी एज बढ़ने के साथ साथ आगे झुक के चलने लगता है, चूँकि उसकी मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। जब मांसपेशियाँ कमजोर होंगी, आप आगे झुक कर चलेंगे, आपके कमर की नसें भी दबनी शुरू होंगी, तो आपकी कमर में दर्द बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं तो वो खींचती जाएंगी, वो खींचेंगी तो दर्द करेंगी जी। तो अगर इन सभी कारणों की बात करें तो आप सभी पेशेंट को मिलाकर एक जो मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से पेशेंट परेशान होते हैं? ज्यादातर दो कारण है। पहला, हमारे काम करने के गलत तरीके जी। दूसरा, हमारी मांसपेशियों में ताकत का कम होना। ये दोनों ही कारण बहुत मुख्य हैं जी। तो आपने बच्चों की जैसे कि बात कही कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं कम हो गई हैं, एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी काफ़ी ऐसे काम है, चाहे वो बाइक चलाना हो या पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करना हो। वहीं इन सभी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हैं तो कमर दर्द में इनका कितना रोल है जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है? बहुत बड़ा रोल है कमर दर्द में इन सारे गैजेट्स का। सबसे पहला मैं कहूँगा टीवी देखने का गलत तरीका जी। फिर मैं कहूँगा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने का गलत तरीका। मोबाइल फ़ोन को जनरली हम कहते हैं कि आप अपने सामने रख के यूज़ करिए, लोगों से इस तरह से आगे झुक कर, अगर मैं कहूँ ये मेरा सेलफ़ोन है तो लोग ऐसे यूज़ करते हैं, हमारी गर्दन जो है पूरी आगे झुकी रहती है, इस वजह से हमारी गर्दन से लेकर कमर तक सारी मांसपेशियाँ खींचती जाती हैं और उसके बाद एक समय के बाद उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है जी। और कमर दर्द के साथ साथ गर्दन में भी कई बार ऐसा होता है कि फोन यूज करने से इतने प्रॉब्लम होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई चीज संबंधित है। कमर दर्द और गर्दन का दर्द आपस में बिल्कुल संबंधित है। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं कि हमारी कमर में दर्द है तो वो कभी अपने गर्दन पे ध्यान नहीं देंगे, या अगर उनकी गर्दन में दर्द है तो अपनी कमर पे ध्यान नहीं देते और वो दर्द फिर बढ़ते जाते हैं जी। तो अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये दर्द एक दूसरे से संबंधित हैं, और अगर एक बार आपको ये प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि दूसरी जगह पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। बिल्कुल, पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी अगर गर्दन में दर्द है तो कमर में दर्द आपके बढ़ जाए, और यदि आपकी कमर में दर्द है तो आपकी गर्दन में दर्द बढ़ जाए, पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। तो इन सब के बीच अगर हम बैकबोन की बात करें तो क्या वो भी इफेक्ट हो सकती है?
बिल्कुल, पूरी बैकबोन आपस में संबंधित रहती है, आपके सर्वाइकल कर्व से लेके थोरेसिक, थोरेसिक से लंबर, लंबर से सेक्रल, दो हमारे प्राइमरी कर्व हैं, दो हमारे सेकेंडरी कर्व हैं, तो पूरी स्पाइन आपस में संबंधित रहती है। एक एक कर्व को कंपनसेट करने के लिए दूसरा कर्व चेंज होता है, दूसरे को कंपनसेट करने के लिए तीसरा कर्व और चौथा। इस तरह से जब आपकी गर्दन का कर्व चेंज होगा तो आपकी थोरेक्स का कर्व ये है, जब ये एडजस्ट होगा तो यहाँ भी एडजस्टमेंट आएगा, ये सर्वाइकल, ये थोरेक्स, इसी तरह कमर का भी हमारा कर्व है जी, तो बिल्कुल संबंधित रहता है आपस में जी। तो हम बात कर रहे थे गलत तरीके से जो बैठते हैं लोग या काम करते हैं उन तरीकों की, तो अगर हम बात करते हैं सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर की, तो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक व्यक्ति के लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले से ये समस्या है? जिनको पहले से ये समस्या है उनके लिए अपने पोस्चर्स को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आपका ट्रीटमेंट है लगभग 50% और आप ये समझ लें आपके उठने बैठने के तरीके हैं बाकी 50%। आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे इवन पलंग पे लेट रहे हैं, इसका भी अंतर पड़ता है। आम तौर पर हमें पलंग पे लेटना है तो पहले हम पलंग पे बैठें, करवट से लेटें और फिर सीधे हों। जब हमें उठना है तो पहले हम अपने पलंग पे ही करवट लें एक तरफ, बैठें और फिर खड़े हों, मगर ऐसा हम जनरली नहीं करते। हम जनरली क्या करते हैं, बैठे और सीधा लेट गए, या हमें उठना है तो हम बस सीधा उठे और चल दिए, ये हम करते हैं। इसके बजाय हमें करना क्या चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था, बैठकर करवट से लेटिए फिर सीधे होइए लेटने के लिए, और खड़े होने के लिए पहले करवट लेकर बैठिए फिर खड़े होइए, ये खास ख्याल रखें। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है किस तरीके से आपको अपना सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर सही रखना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, और जब आप सही तरीके से बैठते नहीं हैं या उठते नहीं हैं या गलत तरीके से काम कर रहे हैं, आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, अगर आप चल रहे हैं तो वो पोस्चर अगर आपका सही नहीं है, तो कई बार ये समस्या गंभीर हो सकती है और आपकी जो डेली रूटीन है वो भी इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर, अगर हम बीते 10 सालों की बात करते हैं तो इनमें इन केसेस में क्या इंक्रीज हुए हैं केस, ये समस्या बड़ी है, और अगर बड़ी है तो उसके क्या कारण हैं? बीते 10 साल में ये समस्याएं बड़ी ही हैं, कम नहीं हुई हैं जी, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह कारण वही हैं, हमारे हमारे डेली काम करने के गलत तौर तरीके जी, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हमारे हैंडल करने का गलत तरीका, ये दो ही मेन कारण हैं हमारी इन समस्याओं के बढ़ने जी। तो आपके पास काफी बच्चे भी आते होंगे और जिन्हें ये पेन रहता होगा, तो उनके लिए क्या एडवाइस? बच्चे भी आने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, बट पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि अब ये समस्याओं को लेके काफी यंग लोग भी आने लगे हैं, खासकर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हमारे पास आने लगे हैं, जिन्हें कमर दर्द है, साथ में गर्दन में दर्द भी है, या उनकी उंगलियाँ भी सुन्न हो जाती हैं, पैर में भी उनके झंझनाहट रहती है। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अपने बैठने का पोस्चर ठीक रखें, अपने कंप्यूटर की हाइट को एडजस्ट करें, अपनी कुर्सी को अपनी कुर्सी का सही से चुनाव करें, जिस कुर्सी पे आपको बैठ के रोज़ दिन में 8 घंटे काम करना है, उस आपकी कुर्सी का बैक सपोर्ट कैसा है जी, या उसमें हैंडल हैं कि नहीं हाथ रखने के लिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको 8 घंटे डेली उस पर बैठना है जी। तो आपने बच्चों की बात की कि अब बच्चे भी आने लगे हैं, पहले ऐसा कम था या रेयर केस में देखने को मिलता था? पहले बहुत रेयर थी ये चीजें जी, बच्चे हमारे पास आते थे। अब तो अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो कितने एज के बच्चे आपके पास, सबसे कम उम्र के बच्चे जो आते हैं आपके पास वो कौन सा ग्रुप है? बैक पेन को लेकर मेरे पास जो बच्चे आने लगे हैं वो जो टीनेजर्स हैं, अब उनका नंबर बढ़ रहा है। पहले टीनेजर्स में जो 18-19 की एज के हैं, अभी पहले वो नहीं आते थे, अभी उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। जो जैसे 10 से 12 तक के बच्चे हैं खासकर, अब उनकी गिनती बढ़ रही है। कई बार वो लंबे समय तक बैठ के पढ़ते हैं या गलत तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं, पलंग पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल चेयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें दर्द होने लगे हैं, वो लोग आते हैं काफ़ी, उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब इनकी कमर में दर्द है, इनकी गर्दन में दर्द है, देखिए क्या समस्या है जी। बिल्कुल, तो दर्शकों चर्चा करेंगे किस तरीके से आप अपने बच्चों को इस परेशानी से बचा सकते हैं और आप खुद भी इस परेशानी से किस तरीके से बच सकते हैं, फिजियोथेरेपी में किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, और चर्चा कर रहे हैं कमर दर्द को लेकर, किस तरीके से ये परेशानी आपको गंभीर रूप से सामने आ सकती है और कैसे आप इनसे बचे, इनके बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि बच्चों में भी ये समस्याएं आ रही हैं, वहीं अगर हम बच्चों में इस परेशानी से बचने की बात करें तो किस तरीके की सावधानियां हम बच्चों के लिए रखें ताकि वो बच्चे हैं इस समस्या से परेशान ना हो। सबसे पहली चीज़, बच्चों के बैग का वेट हम कंट्रोल करें जी। आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि बच्चों का बैग भारी से भारी ही होता जा रहा है, हल्का होने के उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। यदि बच्चे भारी बैग को कैरी करते हैं तो उनकी कमर में ना ही सिर्फ दर्द होगा बल्कि उनके कमर का जो एक शेप, जो नॉर्मल उनके जो कमर की बनावट रहती है, जो कर्व रहते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। देखा गया है कि भारी बैग की वजह से बच्चों को स्कोलियोसिस हो रही है या फिर काइफोसिस हो रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, काइफोसिस होती है आप आगे झुक जाते हैं, और स्कोलियोसिस जो होती है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐसे, हमारा कॉलम सीधा होता है जी। वो उसकी शेप अगर ऐसे बिगड़ जाएगी, अगर आप सामने से देखेंगे तो शेप एस के फॉर्म में आपको दिखाई देगी, उसे कहते हैं स्कोलियोसिस। ये भी देखा गया है कि बच्चों में आजकल ये भी होता जा रहा है जी। तो स्कूल बैग का जो वेट है वो कंट्रोल करना है, प्लस उन्हें ये भी बताना है किस तरीके से आपको चलना है, किस तरीके से आपको बैठना है। अगर हम सही सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर की बात करते हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, जिन्हें समस्या नहीं भी है उनके लिए अगर हम एक हेल्दी टिप्स की बात करें तो वो क्या रहेंगे? हेल्दी टिप्स की अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल से चीज है, हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। चाहें आपको किसी सामान को उठाना है, आपको चलना है, आपको कहीं बैठना है, तो अपने स्पाइनल कॉलम को सीधा रखने का प्रयास करिए। जितना उसको आप सीधा रख पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा जी। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जिनका आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो सिटिंग पोस्चर पहले तो उन लोगों के लिए कैसा रहना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखें वो ताकि इस समस्या से बच सके? सिटिंग पोस्चर कैसा रहे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बैठा हुआ हूं इस तरह से, तो देखिए मैं सीधा बैठा हुआ हूं जी। कई बार लोग ऐसे आगे झुक के बैठ जाते हैं, या कंप्यूटर रखा है तो कंप्यूटर पर ऐसे झुक के काम करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप सीधे बैठे, आपकी स्पाइन सीधी रहे, आपके कंप्यूटर की जो हाइट है, जो उसका प्लिंथ है, वो ठीक रहना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है, हमें ये बेसिक अगर हम मेंटेन कर लेंगे तो ही हमारे लिए बहुत है कि हमारी समस्याएं हमसे दूर रहेंगी जी। आपने कंप्यूटर स्क्रीन की बात करी, अगर हम उसको सही से मेंटेन करें तो वो क्या एक लेवल रहना चाहिए काम करने का और उस स्क्रीन का, ताकि ये समस्या ना हो? कंप्यूटर स्क्रीन का जो एंगल है, जो स्क्रीन का एंगल है, आपकी आंखों से लगभग 30 डिग्री से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। अगर सामने है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नीचे भी करना है तो मैक्सिमम 30 डिग्री, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। आपका जो कीबोर्ड है वो बहुत ऊँचा नहीं होना चाहिए, कीबोर्ड की लेंथ या उसकी हाइट आप कह लीजिए, आपकी कोहनी से 90 डिग्री का एंगल एक बन जाए, इतना आप मैक्सिमम कर सकते हो, ये हाइट आपके लिए एकदम ठीक रहेगी जी। और आउटडोर एक्टिविटीज जिनकी ज्यादा है वो क्या सावधानियां रखें? वो सावधानियां रखें कि ट्रैवलिंग करते वक्त अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठें। अगर बस से ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सीधा बैठ के बाइक चलाएं। कई बार आजकल बाइक ऐसी भी आ गई है जो एकदम आगे आपको झुक के बैठना पड़ता है जी। इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो मैं समझता हूं कभी आपको ये बैक पेन की समस्या नहीं होगी जी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है, अगर आप काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज करते हैं, तो आपको वो सही से रखना है, उसको अच्छे से मेंटेन करना है। आप कंफर्टेबल होकर काम करिए, क्योंकि हो सकता है कई बार उसकी जो गलत हाइट है या आपका बैठने का तरीका जो गलत है वो आपको गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। तो आपको इन सबसे बचना है, और डॉक्टर ने जो टिप्स दिए हैं आपको उनका ध्यान रखना है। डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट की, तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी कराएंगे काफी टाइम लगेगा, और अगर को पेन होता है तो वो पेन किलर ले लेते हैं या और मेडिसिन यूज करते हैं। फिजियोथेरेपी में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कौन सी बीमारी से लेकर कितनी बड़ी बीमारी तक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से? देखिए, फिजियोथेरेपी में अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, या कोई आपको स्टमक से संबंधित एलिमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ आज के समय में लगभग सभी आपके सभी बीमारियों का इलाज है, उपलब्ध है फिजियोथेरेपी में। चाहे वो आपके जोड़ों से संबंधित हों, आपकी नसों से संबंधित हों, आपकी मांसपेशियों से संबंधित हों,
इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का इलाज आजकल फिजियोथेरेपी में उपलब्ध है जी। तो अगर हम आते हैं कमर दर्द पर वापस, अगर हम कमर दर्द के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सो फिजियोथेरेपी में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, फिजियोथेरेपी में कमर दर्द के इलाज के लिए हम कुछ सिकाइयाँ, कुछ खिंचाव, कुछ व्यायाम का उपयोग करते हैं। इन्हें इन सभी चीज़ों की मदद से हम आपकी कमर का दर्द ठीक कर सकते हैं। अब आपने कहा कि कितना समय लग सकता है जी। तो समय इस पे निर्भर करता है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। कई बार लोगों को दर्द हुआ परसों, वो आज हमारे पास आ गए, उन्हें बहुत ही कम समय लगेगा। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कमर में 2 महीने से दर्द है जी। और भी समझदार लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हमारी कमर में 2 साल से दर्द है। तो जो 2 साल वाले हैं उन्हें और ज़्यादा समय लगेगा। बिल्कुल, 2 महीने से जिन्हें समस्या है उन्हें थोड़ा कम समय लगेगा, और जो इमीडिएटली हमारे पास आता है उसे तो बहुत ही कम समय लगेगा ठीक होने जी। बिल्कुल, तो अगर हम योगा और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ऐसे कौन से योगा और एक्सरसाइज हैं जो आप उन्हें रिकमेंड करते हैं, और जिन्हें ये समस्या नहीं है वो किस तरीके से योगा एक्सरसाइज करें ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें? जिन्हें ये कमर दर्द वगैरह की समस्या नहीं है उनके लिए बहुत ही सिंपल है, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें जी। जिन्हें कमर दर्द हो चुका है वो कुछ कमर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके द्वारा हम कमर की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कुछ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, कुछ स्ट्रेचिंग्स हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं। कुछ जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं अगर हम उन्हें करते हैं तो हमारी पीठ की मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है, जिसके बाद जब हम काम करेंगे तो हमें थकावट देर में होगी, मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आएगा, हमें कमर दर्द नहीं होगा जी। बिल्कुल, तो दर्शकों जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया आपको ये सावधानियां रखनी है और योगा और एक्सरसाइज आपको काफ़ी हद तक इस परेशानी से बचा सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे सिटिंग पोस्चर और स्टैंडिंग पोस्चर की, तो लगभग सबको पता है कि हमें ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, और अभी जैसा कि आपने बताया तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता चली है कि टीवी स्क्रीन हो या फिर उनका कंप्यूटर स्क्रीन हो वो भी सही एंगल पर होगा तो आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर हम सोने की बात करते हैं तो आपने थोड़ा सा चर्चा की थी कि लोग सोने का भी गलत तरीका अपनाते हैं जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है, तो वो किस तरीके का तरीका होना चाहिए, सही से किस तरीके से वो सोएं ताकि कमर के दर्द से परेशान ना हो? सही तरीके से सोने के लिए सबसे पहले तो आपके जो गद्दे हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए। एक मीडियम डेंसिटी का आप गद्दा लीजिए जिसको आप अपने सोने के लिए प्रयोग करिए। फिर जब आप सोने के लिए पलंग पे लेट रहे हैं, जैसा मैंने कार्यक्रम में पहले कहा था, पहले आप पलंग पे बैठिए, करवट से लेटिए और फिर सीधे होइए, इसको मेंटेन करेंगे। तीसरा, जब आप सो रहे हैं, यदि आप करवट से सो रहे हैं तो अपनी गर्दन के नीचे तकिया लगाइए, तकिया इतना मोटा हो कि आपके कंधे और गर्दन के बीच में जो गैप बन रहा है वो गैप भर जाए। यदि आप सीधे सो रहे हैं तो एक तौलिया को रोल करके अपनी गर्दन के नीचे लगा लीजिए, सिर के नीचे नहीं, गर्दन के नीचे। और अपने पैरों का पोस्चर, आप यदि करवट से सो रहे हैं तो अपने पैरों को हिप से और नी से करीब 30-30 डिग्री के कोण पे मोड़ के रखिए, जिससे आपकी स्पाइन सीधी और आराम से बनी रहे। यदि आप सीधे सो रहे हैं तो अपने पैरों को सीधा करके सोइए। ये कुछ हमारे पोस्चर के टिप्स हैं जो आप सोते में थोड़ा इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कि कई बार लोगों को सोते में याद नहीं रहता कि हम कैसे सो रहे हैं, बट अगर थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे तो आप अपने सोने के पोस्चर को मेंटेन कर सकेंगे और इन सभी समस्याओं से दूर रहेंगे जी। तो डॉक्टर, कई बार डॉक्टर्स टर्म यूज करते हैं ADL, तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करना चाहें तो ये क्या है और किस तरीके से इसके बारे में ध्यान रखना है लोगों को? होती है, हम बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे हमारा ब्रश करने का तरीका, हमें रोज ब्रश करना है, कॉम्बिंग करनी है, वॉशरूम यूज करना है, खाना खाना है, टीवी देखना है, ये सारी ही एक्टिविटी जो हमारी डेली की दिनचर्या है ये ADL में आती है जी। आप थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो जनरली लोग ब्रश करते में आगे झुक के खड़े होते हैं, वो ऐसे आगे झुक जाएंगे अपना फिर ब्रश को यूज़ करते हैं, ये भी कमर दर्द का एक कारण है। आपके सामने मिरर है, आप आराम से सीधे खड़े होके भी तो ब्रश कर सकते हैं, फिर आगे झुकना क्यों है? या हम कोम कर रहे हैं, कई बार लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे और कोम को यूज़ करेंगे, सीधा खड़े होइए, सामने अपने शीशे में देखिए और कोमिंग करिए। या महिलाएं खाना बना रही हैं, अनावश्यक रूप से आगे झुक के खड़ा होना और काम करना, आपको शूज़ पहनने हैं, आप
खड़े हुए, खड़े होकर अपनी सिर्फ आगे झुके और जूते को उठा लिया। अरे आप आराम से एक कुर्सी पे बैठिए, अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रखिए, आराम से जूते को पहनिए, आपकी पीठ सीधी रहेगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप मेंटेन कर लेंगे। हाँ, कई बार लोग अपनी मोटरसाइकिल में किक लगाने के लिए पहले उस पर बैठ जाएंगे और फिर किक लगाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या का कारण है। आप बाइक को स्टैंड पे खड़ा करिए, आराम से उसमें किक लगाइए और फिर बैठिए उस पर, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। क्योंकि कई बार किक लगाते में ज़ोर से झटका लगता है तो पीठ में भी जर्क आता है। होता क्या है, हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम करते करते हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान बट जाता है, हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। जिस वजह से आप दोबारा अपना बैलेंस रीगेन करने के लिए अपनी बॉडी के कुछ मूवमेंट्स करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिसके दौरान आपकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं जी। इस वजह से ये दर्द बढ़ते हैं। मान लीजिए सपोज़ आप एक पैर से आप खड़े हैं, आप आगे झुक के कुछ सामान उठा रहे हैं, आपका बैलेंस बिगड़ा, तो आप गिरने से बचने के लिए कुछ चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे आपकी मांसपेशियों का संतुलन बिगड़ेगा और झटका लगेगा जी। तो ये तो इतना ज्यादा केस जब सामने आते हैं ऐसे, तो वो इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए उन कार्यों को करते वक्त अपना ध्यान एक ही जगह रखेंगे तो बेहतर रहेगा जी। तो अगर ऐसा कोई केस सामने आता है डॉक्टर, अचानक से किसी को प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर हम फर्स्ट एड के तौर पर क्या जो सावधानियां हैं वो रख सकते हैं जब तक कि उसको चिकित्सक के पास नहीं पहुंचाया जाता? फर्स्ट एड के तौर पर आप उस मरीज को आराम से पलंग पे सीधा लेटा दें, उसे थोड़ी देर आराम करने दें, और हो सके तो उसकी थोड़ी सी कोल्ड स्पंजिंग करें जहाँ पे खिंचाव आया है, ताकि वहाँ पे जो खिंचाव है, जो माइक्रोट्रामा हुआ है मांसपेशी में, वो दूर हो सके। पहले के वनस्पत बिल्कुल अवेयरनेस बढ़ी है, लोग अगर उन्हें कोई समस्या दर्द खिंचाव होते हैं तो हाँ बिल्कुल लोगों का पहले से ये परसेप्शन चेंज हुआ है कि हमें दवा खानी है, कि हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है जी। पहले के मुकाबले अब हमारे पास लोग ज़्यादा आते हैं, हमें पहले कंसल्ट करते हैं, और उसके रिजल्ट ये हैं कि उनके ठीक होने का जो समय है वो पहले से कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।